कान है, पिता रोटी है या बड़ा है मकान है। पिता छोटे से परिंदा का बड़ा साया आसमान है। सुनने वालों कलेजे पे हाथ रख करके एक बार सुन लीजिएगा, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता छोटे से परिंदा का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रीत सा राग है, पिता है तो घर में प्रीत सा राग है, और पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो सारे सपने अपने हैं। ऐ दुनिया वालों, पिता अगर है तो सारे घर के खिलौने अपने हैं। मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूं। अंशिका जी ने जो आज कार्य किया है, बेटा नहीं भाई नहीं, एक पिता की कभी खलती होगी दिल, इसलिए मैंने कहा जिसके सर से बाप का साया उड़ जाता है उसका दुनिया अधूरा हो जाता है। एक लाइन नहीं कहूंगा अंशिका जी के लिए, मेरे दिल की एक दर्द है, और बहुत दुखियों का पुरस्कार हमारे छोटे भाई गुलशन यादव जी, बहुत बहुत भैया की धन्यवाद। एक नंबर लगा लगा जल्दी आई है, एक डेढ़ में आई है। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से हर दिन में रात में कार्यक्रम करता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से आपका छोटा भाई अपने क्षेत्र बिहार में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत बोलते हैं और हमारे बिहार में जिला पार्षद बोलते हैं, तो आपके आशीर्वाद से आपका छोटा भाई जिला पार्षद है। और संगीत की देन है तो मैं एक लाइन कहूंगा, बढ़िया सही 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 से बढ़िया और हमारे हे बाबू छोड़ी गई लड़की जन्म से हो पुरस्कार हमारे बड़का भैया जिनके द्वारा सदैव छोटे भाई का प्यार गुजार मिलता है, बहुत बहुत प्रणाम।
सबैया लोग नमस्कार लंबा कहता है कई बार छोड़ी गई लक्ष्मी सुंदर गायिका सुमन भारती जी की ओर से आशीर्वाद और हमारे बड़े भैया रजनीकांत भैया जी की ओर से बहुत उपयोगी पुरस्कार बहुत बहुत अंशिका जी एक लाइन अगली भेजो हम के हमके खियावे खाती जरूर या पंतनवा बाप मतारी हर वक्त सोचता है कि हमारा बच्चा खा लेगा हम भूखे भी रह जाएंगे। मैं कहता हूँ मामा है भी हमारे महेंद्र मामा अभी 15 से 20 दिन हुआ होगा हमारे परिवार में और मैं हाटा मार्केट में रहता हूँ और आज से अपना घर द्वार सब बन रहा है। मेरे बाप जो मेरे पिताजी मैं कार्यक्रम में था और मेरे पिताजी जो खाप से उतर गए थे और उनकी एक ही आवाज थी। मैं कार्यक्रम में था कि मेरे गुल्लू को बुला दीजिए एक बार। हमारे 3 भाई अभी घर पे थे लेकिन बाप के लिए चारों चाहे कितना हो औलाद हो एक समान होते हैं। मेरे पिता अभी जिंदा है तो मुझे कितना कष्ट है और अंशिका जी के पिताजी दुनिया में नहीं है जो कि पिताजी के लिए इन्होंने इतना किया है उन्हें कितना कष्ट होगा और सारी दुनिया के औलाद के लिए उसके बाप अगर नहीं है तो उनके लिए कितना कष्ट की बात होगी। तो इसलिए एक लाइन मैंने अपनी कलम से लिखा था
और अलसिया जी के कोरस करते हैं अगली हमारे चाचा श्री अरे पछिया ठीक है।